हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मेथड्स टीचिंग के सभी सेम ही होते हैं, बस उनके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे लिखने का वे हो जाएगा, वो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होगा, बाकी मेथड्स का वे चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी दो मेथड्स जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं, तो वो आपने मेरे चैनल पर ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक सिंथेसिस मेथड एंड द प्ले वे मेथड। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करके जाइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। देखिए, एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड क्या होता है, जिसको कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को टीच करने के लिए दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। कैसे? एनालिटिक मेथड होता है जिसमें कि आप पूरे कंसेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, और सिंथेटिक मेथड क्या होता है, जिसमें कि आप जो पूरा आपका कंसेप्ट है, जो आपके पास छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको कंबाइन करते हो। अब आप इसको एक टॉपिक में कैसे यूज़ करोगे? देखिए, पहले इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्टली क्या होता है कि जब आप क्लास में जाते हो, नया कंसेप्ट, नया चैप्टर शुरू करना होता है, तो आप पहले जानते हो कि बच्चों को उस टॉपिक के रिगार्डिंग कितनी नॉलेज है। ठीक है, अब उस नॉलेज को देखने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हो जो उनकी प्रीवियस क्लास में उन्होंने पढ़े हो। ठीक है, यानी कि आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हो कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, आपको टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है। और अगर हम सिंथेटिक टॉपिक में करें कि आपने पूरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया पढ़ाने के लिए और फिर उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आप पुट करते गए हो। ठीक है, अभी डिपेंड करता है टीचिंग मेथड पर या कंसेप्ट के ऊपर कि वो कंसेप्ट स्टार्टिंग में क्या डिमांड कर रहा है, पहले एनालिसिस और पहले सिंथेटिक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड्स आर टू सच मेथड्स, इन स्पाइट ऑफ द अपोजिंग नेचर आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। इनकी नेचर बिल्कुल अपोजिट है, बट उनको कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनालिटिक मेथड क्या होता है, एटिमोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसका ये जो वर्ड है एनालिटिक, इसको डिराइव किया गया था एनालिसिस वर्ड से, जिसका मतलब है सेपरेट करना, चीज़ों को बिल्कुल से सेपरेट कर देना। ठीक है, हम एनालिसिस सभी तो करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम एनालिसिस करते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उस सब्जेक्ट में ही वीक है या बाकी सब्जेक्ट्स में भी वीक है, घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या हम छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ थिंग इन टू इट्स स्मॉलर पार्ट्स। By analyzing a problem, thus we mean to break the problem into simpler elements or unfold its hidden aspects in such a way that its solution may appear quite obvious. कि उसको इतने छोटे से छोटे elements में divide कर दिया जाए कि उसका answer अपने आप ही निकल कर आ जाए। ठीक है, analytical method one moves from unknown to known। आपको नहीं पता, वहाँ से आप known की ओर जाते हो। ठीक है, द बिगिनिंग इज ऑलवेज मेड फ्रॉम द कंक्लूजन और वट इज टू बी प्रूव्ड एंड देन बाई ऑपरेटिंग इट एनालिटिकली द अननोन इज अल्टीमेटली लिंक्ड विद द नोन। कि जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करते हो जो बच्चे को नहीं पता होता, बट वो अपनी नॉलेज से उसका आंसर करने की कोशिश करता है, तो वो नॉन चीज की ओर बढ़ता है और उसको कभी भूलता नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। सो नेक्स्ट इज सिंथेटिक मेथड। इन सिंथेटिक मेथड द स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूट और पार्ट्स ऑफ अ थिंग आर कंबाइंड और पुट टूगेदर सो एज टू गिव समथिंग न्यू। जैसे आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जी, ये प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर आपने उसका कंक्लूजन निकाला कि भाई उस बच्चे की नेचर ही ऐसी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर कि हम ये क्या कंक्लूजन निकालते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर जो हमने एनालिसिस किए हैं। दिस मेथड लेट्स अस फ्रॉम नोन टू अननोन, कि जो चीज़ें हमें पता थी उसे हम अननोन की ओर जाए। एज अ नॉन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज स्ट्रक्चर मे लेड अस टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स और conclusions. The start is always made from the hypothesis and not with the conclusion as in analytic method. अब देखिए, हम एक example लेंगे जिस example में analytic और synthetic दोनों method का use बताएंगे। अब देखिए, ये आपके पास एक parallelogram है A B C D और E एक center point है diagonals का, A C and B D both are diagonals. अब देखिए, parallelogram की property क्या होती है कि एक तो दोनों जो opposite sides होंगी वो equal होंगी, है ना, और जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई ई सी के इक्वल होगा, बी ई ई डी के इक्वल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है। अब देखिए, एग्जांपल क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब अगर हम सिंथेटिक मेथड को यूज करते हैं, गिवन क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है,
एसी एंड बीडी दोनों डायगोनल्स हैं जो कि एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ई आएगा जहाँ पे मैंने ओ लिखा है, वो आप सही कर लीजिएगा। तो हमने प्रूव क्या करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए ई इक्वल टू ई सी एंड बी ई इज इक्वल टू ई डी। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ट्रायंगल ए ई बी और सी ई डी है, इसमें आप ए ई डी और बी ई सी भी ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, यू हैव टू टेक ट्रायंगल, ठीक है। सो ए ई बी में क्या होगा, ए ई बी और सी ई डी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, एंगल्स का तो आपको नॉलेज होगी ही। ए बी ई और सी डी ई ये अल्टरनेट एंगल्स आ गए, ठीक है। तो थर्डली ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लोगों ने तीन चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ए ई बी और सी ई डी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये ए ई और बी ई इज इक्वल टू ई डी, जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हमें गिवन थी उनसे हमने एक प्रॉपर आंसर बना दिया। ये हुआ सिंथेटिक मैथड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड में क्या होता है कि जो हम लोगों ने प्रूव करना है दैट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर द स्टूडेंट्स, ठीक है। द रेलिवेंट डायग्राम कैन बी ड्रॉन एंड कैन देन एनालिसिस विल बी प्रोसीड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन पेपर। देखिए जो आपकी पिक्चर थी वो आपकी वही रहेगी, पैरेललोग्राम की ए बी सी डी एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ई एंड द सेम क्वेश्चन विल बी, बट द मेथड विल बी डिफरेंट। नाउ क्वेश्चन विल बी व्हाट इज गिवन, एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी बी डी डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ई पॉइंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, दिस विल बी द आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट पार्ट्स इन द फिगर देयरफॉर आर टू बी प्रूव्ड इक्वल, कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ठीक है। ये तो हो गया जनरल क्वेश्चन जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन थे, मतलब कि हमने पूरे क्वेश्चन को पहले एक छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट इज हाउ कैन यू प्रूव दीज पार्ट्स इक्वल, अब क्या गिवन है, क्या हमने प्रूफ करना है वो हमने एनालिसिस कर लिया, अब उसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब प्रूफ ऐसे करेंगे कि अगर हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें, अब कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, अगर आप साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो, एस ए एस यानी एक साइड एंगल और एक साइड, मतलब टू साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, तो आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट इज अब आप ट्राइंगल्स को प्रूफ कैसे करोगे कि अगर, या तो आप क्या करोगे, वी हैव टू थिंक द अबाउट द व्हाट द कंडीशन ऑफ प्रूविंग टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, हमें उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी। इन व्यू ऑफ दिस कंडीशन व्हाट एलिमेंट्स देयरफॉर शुड बी प्रूव्ड इक्वल, अगर हम उस पिक्चर को देखते हैं, डायगोनल्स की फॉर्म्स देखते हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें इक्वालिटी के लिए ले सकते हैं, ठीक है। देन इन व्हाट डिफरेंट सिचुएशंस में टू एंगल्स बी प्रूव्ड इक्वल, या तो उनको अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की तरह प्रूफ कर दो, या उनको राइट एंगल की तरह प्रूफ कर दो, या अल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप इन चारों में से कोई भी दो लेकर प्रूफ कर दो एंगल्स चूज करके लिख दीजिए कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं या राइट एंगल्स हैं या अल्टरनेट एंगल्स हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके दो एंगल प्रूफ हो गए, एक साइड तो इक्वल होगी ही बिकॉज पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी, तो आपका एस एस ए या एस ए एस रूल यहाँ पे प्रूफ हो जाता है और आपका जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से आप एनालिसिस कर रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट पेयर ऑफ एंगल्स आर पॉसिबल इन प्रेजेंट सिचुएशन, कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ये चीज़ें प्रूफ करके हम लोगों ने ए बी सी डी को उसके जो डायगोनल्स हैं वो हमने प्रूफ कर दिया कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एनालिटिक मेथड भी पता चल गया और सिंथेटिक मेथड भी पता चल गया। अब जब आप लेसन प्लान बनाओगे उसके ऊपर जहाँ पर आपने प्रेजेंटेशन लिखना है, अब आप टॉपिक के ऊपर देखिए कि आप किस मेथड को लेकर अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, उसमें जो टीचर पीटी क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे ही पूछेगा जैसे कि इन मेथड्स का वे है, ठीक है। तो इसे आपको लेसन प्लान के अंदर किस तरह से टीचिंग एड पीटी क्वेश्चंस लिखने हैं उसकी भी नॉलेज हो रही है, ठीक है। तो आप इन मेथड्स को ध्यान से समझ के जाइएगा। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि क्लोज एनालिसिस में रिवील दैट बोथ ऑफ दीज मेथड्स हैव एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, कि एक बहुत लेंथी है, एक बहुत शॉर्ट हो रहा है, या बच्चों को पहले नॉलेज होनी चाहिए। इन द बिगिनिंग वी शुड ट्राई टू यूज एनालिटिक मेथड फॉर मेकिंग द स्टूडेंट्स डिस्कवर प्रूफ्स, कि पहले एनालिसिस किया जाए कि बच्चे खुद से क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कवर करें, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में सिंथेटिक मेथड को यूज़ किया जाए। तो इस तरह से दोनों मेथड्स को साथ में कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है, जबकि उनकी नेचर जो है बिल्कुल अपोजिट है,
ठीक है. एज फार एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग इज कंसर्न्ड, इट शुड बी एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ एनालॉजिक मेथड, बट फॉर फिक्सिंग एंड रिटेनिंग व्हाट हैज बीन अंडरस्टूड द सिंथेटिक मेथड शुड बी ब्रॉट इन टू यूज. कि आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके लिए एनालिसिस मेथड किया जाए, और फिक्स करने के लिए कि हमने ये कंक्लूजन निकाला है या इससे हमें ये पता चलता है, उस टाइम पे आप सिंथेटिक मेथड को यूज़ कीजिए. ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन से भी यूज़ किया जा सकता है और सेपरेटली भी यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि बच्चों को एक प्रॉब्लम देना जिसका कि एक सॉल्यूशन निकाला जा सके. ऐसा नहीं कि उनको ऐसी प्रॉब्लम दे दें जिसका सॉल्यूशन ही ना निकाल पाए बच्चा. ठीक है, सो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? द प्रोसेस इन विच अ पर्सन इज बाउंड टू बी एंगेज फॉर फाइंडिंग आउट द आंसर और सॉल्यूशन ऑफ द कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम और सिचुएशन मे बी नेम्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि ऐसी एक सिचुएशन जिसमें कि बच्चा कुछ रूल्स के में बाउंड होकर उसका सॉल्यूशन निकालता है, बट द सॉल्यूशन मस्ट बी देयर. ओके, ओनली देन वी कैन से दैट दिस इज अ प्रॉब्लम. इन दिस वे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टैंड्स फॉर व्हाट वन डज व्हेन ही डज नॉट नो व्हाट नीड्स टू बी डन. मतलब जब कोई पर्सन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जिसके बारे में उसे पता नहीं है, व्हाट नीड्स टू बी डन, कि करना क्या है, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट्स लाइक अ दैट पजल ना. सो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? अब मेथड क्या हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एज अ मेथड ऑफ टीचिंग रिप्रेजेंट्स अ मेथड विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द पीपल्स फॉर एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाई हिम ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्टॉक ऑफ नॉलेज. कि जो उसको पहले आता था उस नॉलेज को यूज करके न्यू प्रॉब्लम जो उसको गिवन है उसको सॉल्व करता है, और उसको सॉल्व करते टाइम जो प्रीवियस नॉलेज को यूज करता है और उसमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उस न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको भी अपने एक्सपीरियंस में या अपने स्टॉक ऑफ मेमोरी में ऐड करता है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कर सके. ठीक है, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर देम टू फाइंड वेदर अ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन. इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी. अब देखिए, इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी हो गई है. ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट प्रॉपरली एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, सो स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब इसमें कुछ स्टेप्स भी होते हैं. फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉब्लम. कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है, वो स्टूडेंट्स को क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होगी ना वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी. अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को 5+3 करने को दोगे, देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम, राइट. और अगर आप छोटे बच्चे को एक बहुत ही बड़ा नंबर दे दोगे ऐड करने के लिए, जो कि अभी वन वर्ड एडिशन सीख रहा है, देन ऑल्सो इट विल नॉट बी राइट फॉर द विद द पर्सन ना. सो आपको प्रॉब्लम एक ऐसी लेनी होगी जो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, बच्चों को क्लियरली समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. कि जो प्रॉब्लम उनको दी है उससे रिलेटेड जो भी रिलेटेड डाटा है या इन्फॉर्मेशन है उसको वो कलेक्ट कर पाए. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. कि जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करना, कि कौन सा उसमें से यूजलेस है, कौन सा यूजफुल है, या किसको चेंज किया जा सकता है, किसकी ज़रूरत नहीं है, उस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करना. नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन. अब डाटा ऑर्गेनाइज करने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालते हो. ठीक है, एक डिस्कशन करते हो कि भी जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस में करते हो. नेक्स्ट इज टेस्टिंग कंक्लूजन. कि जो आपने कंक्लूजन बनाया था उसको टेस्ट करते हो कि हमारी जो प्रॉब्लम पूछी गई थी वो सॉल्व हुई या नहीं. सो देयर आर 5 steps ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉब्लम. सेकंड, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फोर्थ, ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन. एंड फिफ्थ इज टेस्टिंग कंक्लूजन. ओके, सो नेक्स्ट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्रॉब्लम. अब एसेंशियल फीचर्स कौन सी होंगी? द प्रॉब्लम शुड बी मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड वर्थवाइल फॉर चिल्ड्रन. कि ऐसा नहीं है कुछ भी उनको वेस्ट क्वेश्चन दे दिया और बच्चों का इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हो पा रहा. अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोगे तो बच्चे उतने ही इंटरेस्ट से या उसे डबल इंटरेस्ट से उसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट आगे भी डिमांड करेंगे. ठीक है, सेकेंडली कि लाइफ के साथ को रिलेटेड होनी चाहिए. जब कोई भी चीज़ आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है तो आप उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंगली उसमें इंटरेस्ट लेते हो. इट शुड हैव सम कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स इफ पॉसिबल. कि जैसे कि इंग्लिश और साइंस में रिलेशन होता है, वैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाए जिसमें कि वन मोर देन वन सब्जेक्ट शुड बी कोरिलेटेड.
इट शुड अराइज आउट ऑफ द रियल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उनके उनकी रियल नीड सॉल्व होती हो, जो उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है ना उससे रिलेटेड होनी चाहिए. द प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली डिफाइंड. द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम शुड बी फाउंड आउट बाय द स्टूडेंट themselves, वर्किंग अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द टीचर. हेयर द रोल ऑफ टीचर इज लाइक द फैसिलिटेटर, दैट दे आर गिविंग हेल्प वेयर एवर इज नीडेड. सॉरी, बट दे आर नॉट एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बट दे आर गिविंग द हिंट्स, दे आर हेल्पिंग दैम, दे आर गाइडिंग दैम, दे आर सुपरवाइजिंग द प्रॉब्लम सोल्यूशन. ओके, नाउ एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, दैट दिस अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव इन डेवलपिंग स्किल्स इन एम्प्लॉइंग द साइंस प्रोसेसेस, बिकॉज इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर टोटली एक्टिवली पार्टिसिपेट, राइट. सो द साइंटिफिक मेथड कैन लाइकवाइज बी यूज इफेक्टिवली इन अदर नॉनसेंस सब्जेक्ट्स. इट इज अ जनरल प्रोसीजर इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू डेली अकरेंसेज दैट अर्जेंटली नीड टू बी एड्रेस्ड, कि जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना उनके साथ ये मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा. द स्टूडेंट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रिजल्टिंग इन मीनिंगफुल एक्सपीरियंसिस, क्योंकि जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनका मोटिवेशन भी हाई होता है और उनका इंटरेस्ट भी हाई होता है, ठीक है. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप्स हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ओपन माइंडेडनेस एंड वाइज जजमेंट. ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चा जब पर्सनली चीज़ों को इंटरेस्ट से करता है ना तभी डेवलप हो पाती हैं, देख कर नहीं इतना डेवलप हो पाती जितना कि वो करके डेवलप करते हैं, ठीक है. द स्टूडेंट्स लर्न टू एक्सेप्ट द ओपिनियंस एंड एविडेंसेज शेयर्ड बाय अदर्स. अगर कोई दूसरा अपना ओपिनियन देता है तो वो देखते हैं कि वो ओपिनियन जो है हमारी हेल्प हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है. सो दे लर्न टू एक्सेप्ट इट. अ कीन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओरिजिनैलिटी एंड रिसोर्सफुलनेस आर डेवलप्ड, विच आर मच नीडेड इंग्रेडिएंट्स फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी. द स्टूडेंट्स बिकम एप्रिशिएटिव एंड ग्रेटफुल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, बिकॉज दे लर्न दैट दीज ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ द साइंटिस्ट आर वेरी हेल्पफुल इन देयर प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो दे स्टार्ट टू अप्रिशिएट इट. ओके, और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर हम जनरली बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसमें मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा लगती है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं लगती, ठीक है. नेक्स्ट, स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट पोजेस सफिशिएंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड देयरफॉर दे फेल टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, कि स्मॉल चिल्ड्रन के लिए ये मेथड यूजफुल नहीं होगा, बट हाँ बड़े बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. स्टूडेंट्स मे नॉट हैव एडिक्वेट रेफरेंस एंड सोर्स बुक्स, क्योंकि उनको लाइब्रेरी में इतना टाइम स्पेंड करना मे बी इतना टाइम ही ना हो जितना कि उनको रिक्वायर्ड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए होता है बहुत. सो इट नीड्स वेरी कैपेबल टीचर टू प्रोवाइड इफेक्टिव गाइडेंस एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. जो टीचर होगा वो अपने नॉलेज के साथ में, अपनी गाइडेंस के साथ में स्टूडेंट्स को हिंट्स ऐसे देगा जिससे कि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए या क्लियरली सॉल्व हो जाए या क्लियरली उनको समझने में हेल्प हो जाए, ठीक है. और ऐसे कैपेबल टीचर मिलना बहुत मुश्किल होता है. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो दिस वॉज अवर सेशन ऑफ टीचिंग मैथड्स पार्ट टू. नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके तीन मैथड्स रह गए हैं वो मैं कवर करवा दूंगी. इन मैथड्स को ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये मैथड आपके लेसन प्लान बनाने में हेल्प आएंगे. इन मैथड से आपके सीटेट में क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसलिए मैं इसको एक वीडियो में कंबाइन नहीं कर रही हूँ बल्कि इसको पार्ट्स में किया है ताकि आपको एक एक चीज़ में अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है. और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.